नाज़रीन, आइए आज मैं आपको बीन्स बनाने की रेसिपी देती हूँ। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है और बहुत आसानी से आप बना सकती हैं। इसको ग्रिल में बनाएं, इसको ओवन में बनाएं, इसको आप स्टीम करें, जिस तरीके से भी आप इसको बनाएंगी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो विंग्स लिए हैं, इसको मैंने अच्छे तरह से क्लीन कर लिया है, जो इसकी चर्बी वगैरह और इसके साथ अलहदा से मीट लगा हुआ होता है वो मैंने इसको क्लीन कर लिया है। इसको मसालों में मैं यूज करूंगी योगर्ट। जब मैं इसके अंदर डालने लगूंगी तो मैं आपको इसकी क्वांटिटी भी बताऊंगी कि आपने कितने कितने इसके अंदर डालने हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है, ये है मेरे पास क्रश चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये जीरा क्यूमन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर जो है वो मैंने थोड़ा रोस्ट कर लिया था उसके ऊपर फ्राई पैन में। तो फ्राई पैन में रोस्ट करने के बाद आपने इसका पाउडर बना लेना है। ये है मेरे पास तंदूरी मसाला और कोई भी आप मसाला ले सकती हैं, ये बाजार का रेडीमेड बना हुआ है। ये हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसको, क्योंकि इस मसालों की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। अब हम अपनी तैयारी की तरफ चलते हैं। सिंपल एक बाउल ले लें आप, बाउल के अंदर आपने ये करना है कि ये विंग्स जो है वो आप डाल दीजिएगा और फिर हमने इसके अंदर डालनी है योगर्ट। 1, 2, 3, 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड की है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। ये जो है मसाला ये 1 टेबलस्पून है, ये आप किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी कंपनी का आप ले सकती हैं, लजीजा का, नेशनल का, जो आपको अच्छा लगे वो आप तंदूरी मसाला ले लीजिएगा, तंदूरी या रोस्ट मसाला जो भी आपको मिले वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, 2 टेबलस्पून है मेरे पास। क्रश चिली मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 टेबलस्पून, जितना आप स्पाइसी पसंद करती हैं उतना ही इसके अंदर आप डालिएगा। ये है मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, ठीक है, और ये मेरे पास है मेथी ड्राई वाली, ठीक है, ये 1-2 पिंच आप बस इसके अंदर डालिए, ज्यादा नहीं डालनी है क्योंकि इसकी स्मेल जो है बहुत स्ट्रोंग होती है, अगर आप डालेंगी तो आपको मेथी मेथी की खुशबू आएगी, बस 1-2 पिंच डालनी है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको बस मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मैंने इसको मसाला लगा के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। आपने भी बस इसको जब भी आप बनाने लगे उससे 2-3 घंटे पहले मसाला लगा के तो आपने फ्रिज में रख देना है, तो फिर आप इसको अपने तरीके से जैसे भी बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से इसको रेडी करूंगी। तो अब मैं इसको पिज्जा पैन में डालूंगी, क्योंकि पिज्जा पैन में इसको मैं पहले स्टीम करूंगी, एक तरह का ये ओवन ही होता है, जिस तरह आप ओवन में कुक करती हैं सेम उसी तरह अगर आप इसमें भी, अगर ये आपके पास है तो आप यूज कर लें, अदरवाइज आप इसको ओवन में रखें जब तक ये कुक नहीं हो जाते। तो अब मैं इसको इसके अंदर ऐड करूंगी, इसको हल्का सा पहले गरम कर लें और थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर लगा लीजिएगा। तो तकरीबन 1/2 घंटे के लिए मैं इसको इसमें रखूंगी। और इसका जो टेम्परेचर है वो भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकती हैं। इस तरह से इसको डाल के तो इसके ऊपर मैं 1-2 टेबलस्पून जो है मैं ऑयल डालूंगी। इसको 1/2 आवर के लिए कुक करने हैं। कुक करने के बाद आपने बाद में इसको कलर देने के लिए अगर स्टीम करना है तो स्टीम
कलर देने के लिए अगर आपने इसको ग्रिल में करना है ग्रिल में कर ले, अगर आपने इसको फ्राई करना है फ्राई कर सकती हैं। तो जैसे भी आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है जैसे आप पसंद करती हैं। देखिए ये बिल्कुल फुली कुक हो चुके हैं, मैं आपको करीब से करके दिखा दूँ। बहुत ही मजे के ये विंग्स हमारे रेडी हुए हैं। तो आपने ओवन में, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप ओवन में बनाना चाहती हैं तो इसको कम से कम हाफ एन आवर के लिए आपने ओवन में रखना है। ऊपर से इसको फॉइल से कवर कर दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। और अगर आप ओवन में रखने के बाद इसको फिर आप फ्राई भी कर सकती हैं या फिर आप खाली ग्रिल में इसको रेड भी कर सकती हैं। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये विंग्स की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।